देखिए प्रभास की अपकमिंग मूवीज की वीडियो बनाई थी, वहां मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ी मूवी प्लान हो रही है प्रभास के अराउंड, जिसमें आपको दीपिका देखने को मिलेंगे, अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे, और ये मूवी कंप्लीटली साइंस फिक्शन होने वाली है और बहुत जहर चीज होगी, और नाम प्रोजेक्ट के मैंने बताया था। अब इससे कुछ अपडेट्स आए हैं जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसेंटली प्रोजेक्ट के को लेकर मीटिंग की गई थी। उस मीटिंग में प्रभास थे, अमिताभ बच्चन जी थे, प्रशांत नील मैं आपको बता दूं अगर नहीं पता, आपकी KGF, KGF 2, ऊपर से सलार, NTR 31, इन सबके डायरेक्टर प्रशांत नील ही हैं। एंड कुछ और कास्ट थी मूवी की जो कि शायद प्रोजेक्ट के यूनिवर्स का हिस्सा हो सकते हैं, या फिर इनका कैमियो हो सकता है, या फिर फिल्म में ये लोग मौजूद हो सकते हैं। एंड मोर देन दैट, अमिताभ बच्चन की एक ऐसी स्टेटमेंट जिसने आई थिंक पूरे बॉलीवुड को हिला दिया होगा। देखिए जब ये मूवी की डिस्कशन हो रही थी, उसके बाद जैसे अमिताभ बच्चन बाहर आते हैं, रिपोर्टर्स ने धावा बोल दिया, क्योंकि उनके पास एक क्वेश्चन है, क्योंकि अमिताभ बच्चन अब करने जा रहे हैं कुछ ऐसा प्रभास के साथ काम। प्रभास इज अ तेलुगु हीरो, अमिताभ बच्चन इज अ हिंदी हीरो, अन्य कोलैबोरेशन बहुत तगड़ी होने वाली है। तो वहां से पूछा गया था कि भाई यहाँ पर हमने नानी को देखा, दुलकर सलमान को देखा, तो चल क्या रहा है। तो अमिताभ बच्चन का रिएक्शन काफी गजब था, उन्होंने कहा कि थैंक गॉड आपने नानी को देखा, दुलकर सलमान को देखा, बॉलीवुड से किसी को नहीं देखा, यानी कि पिक्चर तगड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती है। और इस चीज ने आई थिंक पूरे बॉलीवुड को सरप्राइज कर दिया होगा, क्योंकि बॉलीवुड की डेफिनेशन कहीं मानी जाती थी तो अमिताभ बच्चन ही। एंड नाउ ही ऑल्सो नोज कि भाई स्क्रिप्ट में प्रभास है, दुलकर सलमान है, या फिर नहीं भी है दुलकर सलमान या फिर नानी, कैमियो है तो कैमियो इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ये लोग, जिसकी हद नहीं हो रही। चीज हमने देख ली है, हमने देखा विक्रम के अंदर सूर्या का कैमियो खतरनाक, लास्ट का 2-3 मिनट का पोस्ट क्रेडिट पूरी फिल्म के ऊपर भारी पड़ गया। और अब यही चीज करने अक्षय कुमार अपनी मूवी स्टार्टअप में लेकर आ रहे हैं वो सूर्या को, और स्टार्टअप भी ना बेसिक रीमेक ही है, अपने सूर्या भाई की एक मूवी है उसका रीमेक बना दे रहे हैं, एंड दैट्स ऑल, से ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाकी यार आप लोग बताएं प्रोजेक्ट के जो होने वाला है उसके अंदर जो कास्ट है ये पूरी रखी जाए, कैमियो रखा जाए, फिर बॉलीवुड किसे और को लेकर जाए। भाई देखिए बॉलीवुड वाले चाहेंगे ना तो रिप्लेस कर देंगे। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आपकी ड्रीम कास्ट क्या रहेगी प्रोजेक्ट के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ उसे बहुत नई न्यूज़ और नई खबरों के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।